देहरादून में मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद से जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में अवैध खनन की सूचनाओं पर नियमित छापेमारी करते हुए निर्देश दिए हैं। साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, जिसको लेकर टीम पिछले 3 महीनों में करीब 3.5 करोड़ का जुर्माना वसूल कर चुकी है और साथ ही 100 गाड़ियों को सीज कर किया गया है। बता दें कि देर रात भी टीम ने विकास नगर शिमला बाईपास रोड पर अवैध खनन के परिवहन के लिए चलाए गए अभियान के दौरान करीब 200 वाहनों की जांच की। वहीं जांच के दौरान एक डंप पर अवैध खनन परिवहन करते हुए पाया गया, जिसको सीज कर दिया गया है, जिन पर करीब 60,000 से अधिक धनराशि की चालान कार्रवाई की गई है। अवैध खनन को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इंस्ट्रक्शन दिया है कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन कहीं पे भी जो है मान्य नहीं होगा। उस पे प्रशासन को कड़े से कड़े निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं कि इसको कम्प्लीटली स्टॉप करना है। और विगत 2-3 महीने से जब खनन का सीज़न चल रहा था, प्रशासन ने काफ़ी इसमें कार्रवाई की।